हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोनटेड डॉक्टर वंस अगेन। तो ये क्विक वीडियो मैंने बनाया है कि एक अपडेट जो हुई थी मिनी 3 प्रो में, उसके बाद काफ़ी लोग कह रहे हैं कि येलो एरिया में उसकी रेंज कम हो गई है, तो अपडेट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको बताएंगे मिनी 3 प्रो में ये अपडेट का क्या चक्कर है, येलो जोन ग्रीन जोन ये क्या है, ये सब आपको पता लगेगा। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, इसमें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बहुत पहले एक रेगुलेशंस का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो पूरा मैप है इंडिया का, उसको अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस डिवाइड कर दिया है रेड जोन में, येलो जोन में और ग्रीन जोन में। रेड जोन पे आप कतई ड्रोन नहीं उड़ा सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। अगर आप बहुत ही हाई मतलब गवर्नमेंट जैसे डिफेंस में हैं और आपके पास प्रॉपर परमिशन है, ओनली देन यू कैन फ्लाई इन रेड जोन। ठीक है, रेड जोन में आप भूल जाइए, कोई भी ड्रोन नहीं उड़ेगा। सेकेंड है आपका येलो जोन, येलो जोन में अलाउड होती है विद सम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आम पब्लिक को तो और कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें लगा दी जाती हैं, और ग्रीन जोन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बेधड़क ड्रोन उड़ा सकते हैं। अब ये जो तीनों जोन हैं, इसमें अब एप्लीकेबल आ गया है कि अब जो अपडेट आई है मिनी 3 प्रो की, जिसने अपडेट कर लिया, जिसने नहीं भी की तब भी वो धक्के से करवा देंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी अपडेट है, होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये ऐसा आप इसको स्किप नहीं कर सकते कि मैं अपडेट नहीं करूँगा, हो जाएगी। अब इसका ये हो रहा है कि इन्होंने कुछ एल्टीट्यूड को लेके फिर प्रॉब्लम, नहीं कहूँगा मैं ये इतना ज़्यादा नहीं घटाया, पहले 120 मीटर 200 मीटर तक 120 मीटर तक लॉक था ग्रीन जोन में। अब येलो जोन के अंदर अगर आप आज पहुँच जाते हैं, येलो जोन में वो अराउंड 76 या 75 मीटर तक जा रहा है, तो वो लॉक उन्होंने लगा दिया है इस अपडेट के बाद। वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारी रेगुलेशंस के हिसाब से DGI हर एक कंट्री के हिसाब से कोलैबोरेट करके उसके हिसाब से वहाँ पर अपडेट्स डालता है। अब इंडिया में ये जो था उसके हिसाब से उन्होंने ये दिए, ऐसे नहीं किया कि सिर्फ 15 मीटर ही जाता है जो पहले मिनी 2 में हो गया था। तो घबराने की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये सेफ्टी के लिए किया। ये येलो जोन वहाँ पर होती है जहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह है, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा दूर जाना भी नहीं चाहिए। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो काफ़ी जान माल का मतलब ऊपर से एरोप्लेन जा रहे हैं तो उससे नुकसान होता है। तो उस हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो DGI भी ठीक है, हमारी सरकार भी ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द गुड स्टेप। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना कि ये स्टेप आ गया है येलो जोन में, हाइट का प्रॉब्लम आ गया तो हमें अपडेट नहीं करना, आपको अपडेट करना है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी हाइट है ऐसे ड्रोन के लिए। तो एक छोटा सा अपडेट था, क्विक अपडेट था, क्विक वीडियो था छोटा सा, और आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।